वेलकम प्यारे बच्चों, आप सबको आज की खूबसूरत वीडियो में हम पहले से वेलकम कहते हैं। एक शायर क्या खूब लिखते हैं, बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी, बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी फिर हर शख्स को तुमसे शिकायत होगी। बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी फिर हर शख्स को तुमसे शिकायत होगी। अपने इन अश्कों को बचाए रखना, अश्क माने आंसू, अपने इन अश्कों को बचाए रखना, दिल जलेगा तो तुम्हें इनकी जरूरत होगी। किसी मांगने वाले को कभी मत ठुकराना, कल तुम्हें भी तो किसी शय की जरूरत होगी। प्यारे अजीज बच्चों, आज के इस खूबसूरत वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि टेंसेस का ओरिजिन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, टेंसेस ग्रामर में क्यों आए हैं। उसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन में डिटेल से पढ़े थे कि 12 टेंसेस क्या होते हैं, उनके अलग अलग सिंटेक्सेस भी हमने डिटेल से पढ़े थे। उन टेंसेस में नंबर वन हमने शुरू करा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलग अलग सिंटेक्सेस पढ़े थे। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल का एक बेसिक सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है बेसिक सिंटेक्स। लेकिन अजीज बच्चों याद रखिए आप, ये तो सिर्फ इसका एक सिंटेक्स है। मैंने कहा था इसके और भी सिंटेक्सेस है, लेकिन वो समझने के लिए हमें टेंसेस में पढ़ना होगा सेंटेंस के अलग अलग टाइप। तो दोस्तों हम यहां बताएंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, कल आपको आपके सर ने बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेंटेंस हमने कहा था सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोला था बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा मैंने हम क्या कहा था, इसमें होता है कंप्लीट सेंस। तीसरा हमने क्या कहा था, इसमें होता है ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तीन पैरामीटर्स बहुत जरूरी है कि हम एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस के लिए जरूरी ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, दूसरा कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर्स है तो हम कहेंगे कि वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। समझ में आपको आ रही बात है, वेरी गुड। अब ये जो सेंटेंस है अलग अलग टाइप्स होते हैं। नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ वी कॉल एज इंपेरेटिव सेंटेंस, फिफ्थ वी कॉल एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, पहले को बोलते हैं असर्टिव, दूसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, तीसरे को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ को हम बोलते हैं इंपेरेटिव, एंड द लास्ट वन वी कॉल एज ऑप्टेटिव। हाँ जी, यहां तक आपने लिखा है, वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा तो नंबर पर हम अब देखेंगे कि हमारे पास जो है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस तरीके से आजकल आप देखते हैं कहने वाले क्या कहते हैं, कहते हैं बादाम है, बादाम है, कच्चा बादाम है, हमारा कच्चो नेको बोबो वो बादाम है, पता नहीं क्या है, कच्चा बादाम है, अरे कच्चा बादाम है, कच्चा बादाम है। सर हमको क्या करना, कच्चा बादाम का वो इधर पढ़ाइए आप। हाँ सुनो, मैं कहने लगा हूं असर्टिव सेंटेंस वो होता है, एक जुमले में मैं असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन आपको बताता हूं। आपने ये शेर का ये हिस्सा सुना होगा, जब कोई बात बन जाए। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं जिस नियत से पढ़ा रहा हूं वो सुनिए कि आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा।
जब कोई बात बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ इंग्लिश आ। शाबाश, हंस लो। मैंने कहा assertive sentence में क्या होता है, जब कोई बात, बोलो यार, जब कोई बात बन जाए ना, पहले बन जाए, जब कोई बात बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ इंग्लिश आ। अब मुझे एक बात बताइए, जब बात बन जाए तो दिमाग पर प्लस आएगा माइनस आएगा? अरे बात बन जाए तो इंसान खुश होगा, जब खुश होगा इसका मतलब है कि माइंड पर जो इम्पैक्ट पड़ा वो पॉजिटिव है। जब बात बिगड़ जाए तो दिमाग पर क्या आएगा, माइनस, खुशी नहीं है, उदासी है, क्योंकि बात बिगड़ गई है। तो कहने का ये मतलब है इस सेंटेंस में आपके पास दोनों चीजें हैं, जब कोई बात बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। दोस्तों याद रखिएगा, वो सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है निगेटिव सेंटेंस भी होता है, सच ए सेंटेंस कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को मिला के क्या बोलते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस। बोलो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। पॉजिटिव सेंटेंस भी जिसमें अंदर हो निगेटिव भी हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। और आसान करके बता दूं, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें आप जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा आई लाइक कच्चा बादाम है, मतलब क्या है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सर को पसंद है कच्चा बादाम। बस में आपको आ रही है, कच्चा बादाम हमको पसंद है, मतलब मैं जानकारी दे रहा हूं। और आप अगर सर के लिए कोई चीज लाना चाहेंगे, आपको सर ने बता दिया मुझे कच्चा बादाम पसंद है, तो आप वही लाएंगे। इसका मतलब है इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। अगर बोलोगे मुझे कच्चा बादाम पसंद नहीं है, क्या है, आप नहीं लाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है कि सर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, चाहे पॉजिटिव मीनिंग दे या नेगेटिव मीनिंग दे तो रहा है जानकारी, तो जानकारी जिस सेंटेंस में दी जाती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ गए ना, वेरी गुड। तो इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव में आपको जानकारी दी नहीं जाती है, बल्कि जानकारी आपसे मांगी जाती है, हासिल की जाती है। मैंने आपसे पूछा, मेरे प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश का लेक्चर कैसा लग रहा है? अबे मुझे पता नहीं आपको मजा आ रहा है या आपको मजा नहीं आ रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है। आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे मालूम होगा नहीं। जब मैं आपसे पूछूंगा इसका मतलब मैं आपसे जानकारी मांग रहा हूं। तो जानकारी मांगने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें इंफॉर्मेशन क्या किया दिए, इंफॉर्मेशन को सीक किया जाता है, सीक, सीक का मतलब होता है मांगना, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव में इंफॉर्मेशन सीक करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा एक और बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, इसमें भी दो तरीके होते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, सुनिए। इंफॉर्मेशन जो है ना जब सीक करते हैं तो क्या बनता है आपका, क्वेश्चन। सो मैं आपको यूं बताऊं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस। क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ये, इनमें क्वेश्चन होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में आता है ये, इसे कहते हैं द्राटी। द्राटी का मतलब होता है, आपने देखा ना, देसी लोगों ने देखा होगा जिससे ग्रास कट करते हैं, ठीक है ना, तो ग्रास कट करने वाली जो एक इक्विपमेंट होता है वो इसी तरह का होता है। सो आप कहते हैं क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, फुल टॉस, यानी कि फुल स्टॉप, सही है। जिस तरीके से असर्टिव में हमने पढ़ा कि इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है एक निगेटिव होता है, सेम इज द केस आपके आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन होता है और एक होता है निगेटिव क्वेश्चन। सर मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं।
एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन, दूसरा होता है नेगेटिव क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी किसी से ये सुना है ना, खासकर अपनी माँ से सुना होगा आपने, बेटी मेरी प्यारी बेटी, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं? एक जुमला ये है, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं? एक होता है, क्या मैं आपसे प्यार करती हूं? दो जुमले है ना, एक है क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं, ये एक सेंटेंस है। दूसरा होता है क्या मैं आपसे प्यार करती हूं, ये दूसरा सेंटेंस है। या मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल आसान देता हूं, क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना नहीं खाया है? तो दोनों क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में ना नहीं है, जिसमें ना नहीं है दैट इज सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसके अंदर ना है उसे हम कहते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि जब मैं आपसे कहूंगा क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया है, इसका मतलब ये सिंपली इंट्रोगेटिव है। तो अगर मैं आपको यूं कहूंगा, जिस तरीके से आप मैथ पढ़ते हैं ना, प्लस वन माइनस वन, तो जो प्लस वन होता है उसको वन ही कहते हैं, प्लस वन नहीं कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली समझा जाता है प्लस वन मीन्स वन। इसी तरीके से जो क्वेश्चन पॉजिटिव होता है इसे पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं कहते, सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आपको, डू आई लाइक, डू आई लाइक पिज्जा? बताओ, इसमें एक क्वेश्चन है ना, इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, और इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, इसके अंदर कोई नॉट है, कोई वर्ड ऑफ निगेशन है नहीं ना है, क्या आपको पिज्जा पसंद है, ये तो क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली इंट्रोगेटिव कहेंगे, ना कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। दूसरा होता है, डू आई नॉट लाइक पिज्जा, डू आई नॉट लाइक पिज्जा, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब कहूंगा डू आई लाइक पिज्जा, ये होता है सिंपली सवाल, क्या मुझे पिज्जा पसंद है। दूसरा होता है, क्या मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा वाला है इट इज निगेटिव इंट्रोगेटिव, सवाल ही है मगर ना है इसमें, ये नॉट इसमें लगा है, और इस नॉट को हम कहते हैं वर्ड ऑफ निगेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ निगेशन। मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल सब क्लैरिफाई हो गया होगा, एक तो सिंपली आपको समझाया असर्टिव सेंटेंस, मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव आप देंगे, मुझे पिज्जा पसंद है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या आपको पिज्जा पसंद है, डू आई लाइक पिज्जा, इट इज पॉजिटिव, डू आई नॉट लाइक पिज्जा, इट इज नेगेटिव। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि असर्टिव में भी दो पार्ट्स आते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। क्वेश्चन में भी आते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन, एक आता है नेगेटिव क्वेश्चन। यहां तक सही है? शाबाश। तो शायर ने क्या बोला है, बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी, जब आप लोग बोलते रहते हैं हर शख्स को तुमसे शिकायत होगी, यूजलेस बोलते रहोगे, नॉनसेंस बोलते रहोगे, एवरीबडी विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। ये देखो, इसको बोलना ही नहीं आता कि ये बोलता रहता है। तो जब बोलना है पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। तो हमने क्या बोला, एसर्टिव समझ में आया और इंट्रोगेटिव समझ में आया। आगे अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आप क्या बताते हैं, ये आगे हम नरेशन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं हल्की फुल्की। ये वो होता है जिसके अंदर होता है सेंस ऑफ सरप्राइज, सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी कि जिसके अंदर हैरानगी वाली सेंस हो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर व्हाट इज सरप्राइज? सरप्राइज हम उस रिएक्शन को कहते हैं जब आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन हो जाए, रिएक्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्शन। मतलब आपने मेरे सामने कुछ ऐसा काम किया, ऐसा आपने बेहतरीन कारनामा दिखाया, आपने रिजल्ट इतना कमाल कलाया, मैं ये उम्मीद ही नहीं रखता था आपसे, तो मैं कहूंगा माशाल्लाह, वाह क्या बात है। तो मैं आपको जो रिएक्शन प्रोवाइड करूंगा दैट इज सरप्राइज, हैरान होना, दंग रह जाना। अब हैरानगी दोस्त दो तरीके से होती है, कभी खुशी में तो कभी गम में। अगर खुशी मिल जाए तब भी मुंह खुला कर खुला रहता है, वाह, अंग्रेज के बच्चे की तरह वाह ऐसे मुंह बनाता है। तो ये खुशी में भी आप हैरान होते हैं, कभी गम में, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर आपकी कोई कीमती चीज आपसे गुम हो गई, अफसोस। तो हैरानगी दोनों में होती है, one is called as joyful surprise and second is called as
सॉरफुल सरप्राइज। तो दोनों तरफ की हैरानगी होती है, इधर इट इज जॉयफुल और सॉरफुल। अब इसके लिए ये बनता है बाय द वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, या इसमें आपको आता है हाउ और व्हाई, व्हाट, ये दो है जिनसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, एक तो वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से, दूसरा आपका हाउ और व्हाट से। वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन में आता है अलास, वाओ, ठीक है, और भी बहुत सारे है, हुर्रा है, ब्रावो है, और भी बहुत सारे, ये हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सेंटेंस के अलग अलग टाइम्स का। एक्सक्लेमेटरी में सेंस ऑफ सरप्राइज होता है, सरप्राइज का मतलब इट इज अ रिएक्शन टू एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, दो तरह का होता है, जॉयफुल एंड सोरोफुल। फिर मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन चाहिए, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन में आते हैं अलास, वाओ, हुर्रा, ब्रावो, और दो होते हैं इंट्रोगेटिव्स जिनमें हाउ और व्हाट होता है, इससे बनता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां तक सबको समझ में आया ना, मजा आ रहा है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्तों यहां तक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सेंटेंस सबको समझ में आया है, वेरी गुड। दूसरा हमने समझा एसर्टिव कौन होता है, ये भी समझ गए हम। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव क्या होता है, और तीसरा हमने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी, चौथा, ठीक है, ये चार तरह के अलग अलग सेंटेंसेस हमने अब तक पढ़े। अभी मुझे जो टेंसेस में जरूरत है, टेंसेस का सिंटेक्स बताने के लिए मुझे सिर्फ दो सेंटेंसेस की जरूरत है। एक तो मुझे चाहिए ये, एक तो मुझे चाहिए असर्टिव और इंट्रोगेटिव, बस ये दो सेंटेंसेस मुझे चाहिए तमाम टेंसेस का सिंटेक्स बताने के लिए। तो मेरा फोकस रहेगा टेंसेस में, टेंसेस में हमें दो सेंटेंसेस की बड़ी जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी, एसर्टिव की और इंट्रोगेटिव की। कोई पूछेगा अगर आपको टेंसेस डिफाइन करने हैं, बताओ कौन से सेंटेंस के टाइप्स चाहिए, आप एकदम से बोलेंगे एक एसर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव का हम टेंसेस में इनका नहीं लेते हैं, इनके सिंटेक्सिस नहीं डिफाइन करते हैं, इन दो भी करते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। पढ़ाते क्या सर है, प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा आपको, ये हमारा बेस सिंटेक्स, यानी कि ये तो बुनियादी तौर पर इसका सिंटेक्स होता है, लेकिन ये देखना जरूरी है ये सेंटेंस टाइप कौन सा, ये सेंटेंस कौन सा टाइप, एक केड़ा टाइप है। ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है, कौन बताएगा, सर आप बताएंगे ना, तभी तो आपका बूथा देख रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आई सब्जेक्ट है, फिर लूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, आई लाइक पिज्जा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वेरी गुड। मैं लूंगा सब्जेक्ट में लूंगा ही, फिर यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में लूंगा क्या, लाइक्स, ही लाइक्स पिज्जा। ईमानदारी से बोलो बच्चों, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। आप कहेंगे, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं कहेंगे, सर इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन मांगी नहीं जाती है। जब इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है तो मैं ये कहूंगा ये सेंटेंस कौन सा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। समझ में बात आ रही है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो कौन सेंटेंस है, असर्टिव है। असर्टिव के साथ साथ बताओ इसमें हाँ है या ना है। आप कहते हैं मुझे पिज्जा पसंद है, पिज्जा पसंद का मतलब यह है कि इसमें दिमाग पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस को हम कहते हैं, इसका नाम होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस। सो मैं आपको अब एक जुमला दे रहा हूं कि सर ये जो आपने लिखा, देखो ये जो आपने लिखा ना, ये जो सिंटेक्स है ये वाला ये जो सिंटेक्स है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो दो एग्जांपल आपने दिए हैं, ये एग्जांपल किसके है बोलो, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों जो है इनको बोलेंगे हम अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया है प्यारे बच्चों, वेरी गुड।
सो दीज आर affirmative sentences. अब ये तो आप समझ गए कि जब भी मुझे affirmative बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे. अच्छा जी सर, अगर इसी को negative बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? Negative बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा ऐसे, मैं जरा लिखूंगा ऊपर, आई डू नॉट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है. ही डज नॉट लाइक पिज्जा. बात समझ में आ रही है आपको? So, इसका ये मतलब है मुझे इन ही सिंटेक्सेस को बदलना पड़ता है नेगेटिव सिंटेक्स लिखने के लिए. तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना? बना सिंपली सब्जेक्ट के बाद या तो डू लगता है या तो डज लगता है, प्लस आता है नॉट, प्लस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बोलो सही है, लिख लो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सो इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सिंटेक्स को बदलना पड़ा. पहले में सिंटेक्स था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरे में क्या आया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी कि इसका मतलब है कि इस वाले सिंटेक्स में जो हमें एक्सटेंशन करना पड़ा, डू डज को लाना पड़ा, डू डज को लाना पड़ा, फिर नॉट को लाना पड़ा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लानी पड़ी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी थी, लेकिन डू डज को हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा है. ठीक है दोस्तों, वेरी गुड. तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं. तो कल जो है एक लंबा लेक्चर होगा, इसमें हम पूरे इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना, साथ में घंटी का बटन है दबा दो, क्या जाएगा तुम्हारा हा? आप मेरा बूथा सबसे पहले देखेंगे इसी पे. ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि आप दूसरों का भला चाहेंगे, अपना भला आप होगा. डू गुड एंड हैव गुड, ऑलवेज प्रमोट लव पीस एंड म्यूचुअल हार्मनी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.